अस्सलाम वालेकुम। तो भाई एक नए ट्रिप के साथ और एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो हम कहीं जा रहे हैं आज घूमने के लिए। ये थोड़ा लंबा ट्रिप है हमारा, तो इसमें जो वीडियोस आएंगी वो कंटिन्यूस आएंगी और तकरीबन 10-11 दिन का ट्रिप है हमारा। तो यू पीपल विल एंजॉय दिस ट्रिप इंशाल्लाह। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के, जब तक मैं थोड़ा एयरपोर्ट दिखा दूँ। भाई फ्लाइट में अभी टाइम था, हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा कर ली है, ऑर्डर दे दिया हमने एक कोरियन बारबेक्यू ट्राई करते हैं जेल बर्ड का। तो देखते हैं कैसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने खा लिया है सब कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा। जो नॉर्मल प्राइस है सिटी में वहाँ से ज़्यादा है इसकी प्राइस। हमने 3 पीसेस कोरियन बारबेक्यू लिया था, विच इज़ टेस्ट में अच्छा था बट थोड़ा सा स्पाइसी था, बट द टेस्ट ऑफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं गेट की तरफ और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। इस तरह हम लैंड कर चुके हैं ज्यूरिख में, अभी बैगेज क्लेम के लिए जा रहे हैं हम। पहले इमिग्रेशन कराएंगे, उसके बाद बैगेज क्लेम के लिए जाएंगे। पूरी रात सोई नहीं है, आँखों जो है हल्के पड़े हुए हैं, उसमें नींद पूरी नहीं हुई है। और सुबह आ गया, मरी हुई हालत में हम सो गए थे। अभी उठे हैं अर्ली चेक इन के, 127 फ्रैंक्स एक्स्ट्रा पे किए कि हालत ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल भी घूमने की हिम्मत ही नहीं थी। तो अब थोड़ा रिलैक्स करके निकलें, कुछ चीज़ ख़रीद लें, क्योंकि नाश्ता ब्रेकफास्ट तो 1 बज रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट तो 10:30 तक होता, तो वो तो नहीं मिला हमें। अब कुछ ढूंढ रहा हूँ यहाँ, कुछ मिल जाए कोई ब्रेड वगैरह तो नाश्ता करें। और सिम भी लेनी है, क्योंकि सिम नहीं ली थी एयरपोर्ट पे मैं गया था, बट वो बंदा था नहीं वहाँ पे। तो अब देखता हूँ यहाँ अगर सिम मिल जाती है मुझे तो सिम खरीदूँगा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे कहीं घूमने। पहले तो शायद सिटी टूर लें और उसके बाद शायद राइन फॉल्स चले जाएँ अगर टाइम बचा तो। तो भाई हम आ गए हैं लंच वगैरह करके ज्यूरिख सिटी एक्सप्लोर करने। तो ये इनका डाउनटाउन है, लेट मी शो यू अराउंड। अभी हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद राइन फॉल्स का टाइम अगर हुआ तो हम राइन फॉल्स जाएंगे आज, नहीं तो फिर कल हम निकल जाएंगे इंटरलाकिन के लिए। लेकिन बीच में बर्न रुकते हुए जाएंगे, क्योंकि बर्न भी एक्सप्लोर करना है। बर्न बहुत खूबसूरत जगह है, इनकी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था। छोटा सा इनका कैपिटल है बट इट इज़ वर्थ टू वॉच। अब हम आ गए हैं ज्यूरिख के डाउनटाउन में। तो मेरे पीछे आप ज्यूरिख लेक देख सकते हैं, ये पार्ट जो है
ये थोड़ा नैरो पार्ट है, इसको लिफात कहते हैं। और फिर जाके कनेक्ट होता है ज्यूरिख लेक से। ज्यूरिख लेक आगे है, वहाँ पे आप बोटिंग और कयाकिंग भी कर सकते हैं। और इसका ओपरा हाउस, ज्यूरिख ओपरा हाउस भी इधर ही है। यहाँ पे काफ़ी फैशन शोज वगैरह भी ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ज्यूरिक सिटी ओल्ड टाउन जो है इनका, पूरा एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है स्टील का। और अब हम पहुंच चुके हैं ज्यूरिख लेक पे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त व्यू चेक करते हैं यहाँ पे बोट राइड ऑन है या नहीं। बहुत सुकून की जगह है यार ये। ये वो क्रूज़ है जो आपको पूरे लेक ज्यूरिख का टूर देते हैं और पूरी लेक आप घूम सकते हैं इसके थ्रू। और सारे जो इनके मशहूर प्लेसेस हैं वहाँ आप जा सकते हैं।
वैसे तो भाई बहुत चहलकदमी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन भाई 8 बजते ही यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लोग गायब हो गए अचानक से, फुल सन्नाटा हो गया है क्योंकि मार्केट्स बंद हो जाती हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जब अंधेरा होता है तब, उसके बाद और सब अपने घरों को चले जाते हैं। संडे सब कुछ ही बंद होता है, मतलब इवन के ग्रोसरी शॉप भी कुछ ही खुली हुई होती, तो इसलिए ये सब कुछ देख भाल के निकलना पड़ता है यहाँ पे। टाइमिंग्स का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर, क्योंकि कल हमें निकलना है बर्न और फिर इंटरलाकन।